सबसे ऊंचे क्षेत्र में हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। यह 11,000 फीट ऊंचाई पर है। यह स्थान माड़ा गांव चामोली जिले उत्तराखंड में स्थित है, जो चीन की सीमा सटा हुआ है और यह अंतिम गांव है। उद्देश्य इसका देश के पारंपरिक दवा प्रणाली को जीवित रखना है और यह 3 एकड़ में फैला हुआ है और इस पार्क में 40 प्रजातियां हैं। इस हर्बल पार्क में जो खतरे में प्रजातियां हैं उनको लगाया गया है। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप जो नैरोबी केन्या में हो रहा है, जिसमें शैली सिंह ने रजत पदक जीता है, जो लंबी कूद में उन्होंने रजत पदक जीता है और यह 1 सेंटीमीटर से स्वर्ण पदक लेने में चूक गई हैं और यह लंबी कूद में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं, जिन्होंने 6.59 मीटर की छलांग लगाई है। और अब हम बात करेंगे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उभरते सितारे फंड को लॉन्च किया गया है, जो स्थान लखनऊ यूपी में लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, एक्सपोर्टर्स की मदद करना और इस कार्यक्रम का मकसद छोटी और मध्यम आकार की कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाना और उनके निर्यात के सपनों को साकार करना है और उनके बीच में आने वाली बाधाओं को दूर करना और वित्तीय और सलाहकारी दोनों रूप में उनकी सहायता की जाती है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं विशाल क्षुद्रग्रह, जिसका नाम है 2016 AZ 193, पृथ्वी के करीब से गुजरा है। 2016 का मतलब इसको पहले 2016 में देखा गया था, तो इसका नाम 2016 AZ 193 रखा गया है, जो पृथ्वी के करीब से गुजरा है। विश्व मच्छर दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है और इसका इतिहास यह है कि जो 1897 ईस्वी में ब्रिटिश डॉक्टर सर रेनॉल्ड रॉस ने इसका पता लगाया था, तो उन्हीं की याद में इसको मनाया जाता है। और इस 2021 का इसका थीम है जीरो मलेरिया टारगेट, ये इस साल का थीम है। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।